हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय गुप्ता। वेलकम बैक ऑन संजय गुप्ता टेक स्कूल। तो आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज, एंड ये जो वीडियो सीरीज का लेक्चर नंबर है वो है 14। एंड इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेस्टेड लूप्स। तो इस तरह के कुछ पैटर्न्स हम डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले ये पैटर्न डिजाइन करेंगे, देन स्टार के अलावा हम डिजिट्स और अल्फाबेट्स को भी प्रिंट करेंगे। फिर इस डिजाइन को हम इस वाटर इमेज में कन्वर्ट करेंगे, देन ये मिरर इमेज, एंड देन इसका वाटर इमेज। ठीक है, एंड दीज आर माय इंफॉर्मेशन। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड पिछले वीडियो में मैंने कंप्लीट किया था डू व्हाइल लूप, तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो अब आप ये वीडियो देख सकते हैं। जो पूरी वीडियो सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं तो उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, तो वहां से जाकर आप पूरी वीडियो सीरीज को फॉलो कर सकते हो। तो अब सबसे पहले एक सिंटेक्स देखते हैं जिसमें नेस्टेड लूप कैसे काम करता है वो समझ में आएगा आपको। तो ये मैंने लिया हाइलाइटर। तो अब देखो, ये जो फॉर लूप इंप्लीमेंटेड है इसको हम बोलेंगे आउटर लूप, और इसके अंदर एक और लूप मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है, दैट इज इनर लूप। तो होगा क्या, सबसे पहले आउटर लूप इनिशियलाइज होगा, मतलब आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। फिर आई लूप अपनी कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है इनर लूप पर। तो इनर लूप इनिशियलाइज होगा, वो अपनी कंडीशन चेक करेगा, तो इनर लूप की कंडीशन अभी ट्रू है, तो अब यहाँ पर आई और जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आई भी 1 है, जे भी 1 है, तो 1 1 स्क्रीन पर प्रिंट होगा। फिर जे अपने आप को इंक्रीज करेगा, तो जे हो जाएगा 2, और फिर इनर लूप ही अपनी कंडीशन चेक करेगा। तो जब कंट्रोल इनर लूप पर ट्रांसफर हो जाता है तो इनर लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो फॉल्स नहीं हो जाता। ठीक है, तो जे यहाँ पर 2 होगा और जे वाली कंडीशन ट्रू है, तो नेक्स्ट आउटपुट प्रिंट होगा 1 2। तो आप देख सकते हैं इनर लूप जब 5 पर चलेगा तो आई की वैल्यू 1 ही रहेगी और जे 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। फिर जब इनर लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो ये आई प्लस प्लस होगा, तो आई हो जाएगा 2। अगेन आई अपनी कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो कंट्रोल फिर से इनर लूप पर जाएगा, जे रीसेट हो जाएगा 1 से, एंड अगेन ये लूप 5 बार चलेगा। तो इस टाइम आई हो चुका है 2 और जे फिर से 5 बार रिपीट होगा, तो आउटपुट में आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड 2 5। तो इस तरीके से अगर आउटर लूप एक बार चल रहा है तो इनर लूप अपना रोटेशन साइकिल कंप्लीट करेगा, एंड देन ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो आउट इनर लूप जब अपना ये टर्मिनेशन कंडीशन चेक करेगा और ये फॉल्स हो जाएगा तो आउटर लूप इंक्रीज होगा, जब आउटर लूप का कंडीशन फॉल्स होगा तब ये स्टॉप हो जाएगा। तो इसको एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो ये कोड तो मैं रिमूव कर देता हूं। तो अभी हम देख रहे हैं नेस्टेड लूप एग्जांपल। तो अब यहाँ पर 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, आई जे। तो इनर लूप, सॉरी आउटर लूप 1 से स्टार्ट किया, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, देन इसके अंदर इनर लूप स्टार्ट किया, जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू 5, जे प्लस प्लस, एंड इस इनर लूप के अंदर हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ बैक स्लैश एन परसेंट डी कॉमा परसेंट डी आई कॉमा जे। ठीक है, तो जब आउटर लूप आई की वैल्यू 1 सेट करेगा तो इनर लूप 5 बार एग्जीक्यूट होगा, तो पहला आउटपुट आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। जब इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा तो आई प्लस प्लस होगा, आई 2 हो जाएगा, फिर से ये 5 बार चलेगा तो आउटपुट आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड 2 5। तो अब हमें यही चेक करना है कि क्या ये आउटपुट प्रिंट होता है या नहीं। तो आप देख सकते हो आपके सामने आउटपुट अवेलेबल है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। फिर 5 बार चलने के बाद आई फिर से इंक्रीज होगा तो आई 3 हो जाएगा और जे वापस 1 से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से टोटल 25 आउटपुट प्रिंट हो रहे हैं। तो आउटर लूप 5 बार चला और इनर लूप 25 टाइम्स। ठीक है, तो ये नेस्टेड लूप फॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू हम वो पैटर्न्स प्रिंट करेंगे। उससे भी पहले एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अब मैं ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें इफ एल्स और यूज करूंगा और आपको उसका आउटपुट आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ इफ आई डबल इक्वल्स टू जे, तो अगर ये ट्रू होता है
तो हमें प्रिंट करना है वन अदरवाइज जीरो, तो मैंने यहां लिख दिया प्रिंट एफ वन एल्स प्रिंट एफ जीरो, एंड जब इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा तो फिर न्यू लाइन के लिए मैं सिर्फ बैक स्लैश एन को प्रिंट करा रहा हूं। तो अब देखो इसमें होगा क्या, आई वन से स्टार्ट हुआ, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर कंट्रोल चला जाएगा इनर लूप पर, तो अभी सिर्फ ये लूप चलेगा पांच बार, और पांच बार ये इफ कंडीशन चेक होगी, तो आई की वैल्यू तो है वन और जे वन टू थ्री फोर फाइव होगा, तो पहली बार तो ये मैच हो जाएगा तो वन प्रिंट होगा, और बाकी टाइम ये मैच नहीं होगा तो चार बार जीरो, तो फर्स्ट रो के अंदर वन जीरो 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 ये प्रिंट होगा। जब पांच बार वैल्यूज प्रिंट हो चुकी होंगी तो ये लूप खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रिंट एफ क्या करेगा, बैक स्लैश एन प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले प्रिंट एफ में स्लैश एन नहीं है, मतलब आउटपुट एक ही लाइन में प्रिंट होगा और उसके बाद ये न्यू लाइन प्रिंट होगा। देन प्रिंट एफ न्यू लाइन प्रिंट करने के बाद जाएगा आई प्लस प्लस पर, तो अब हो जाएगा आई टू, कंडीशन चेक करो ट्रू, फिर से कंट्रोल जाएगा जे लूप पर, अब जे लूप फिर से पांच बार चलेगा, और जब जे लूप पांच बार चलेगा तो इस टाइम पर आई की वैल्यू कितनी है टू, तो जब जे टू होगा तब ये मैच हो जाएगा, अदरवाइज नहीं तो उस केस में जीरो प्रिंट होगा। तो सबसे पहले आई टू है जे वन है तो मैच नहीं होगा तो जीरो प्रिंट हुआ, फिर आई और जे नेक्स्ट टाइम मैच हो जाएंगे तो वन प्रिंट होगा, इट मीन्स जब आई और जे इक्वल है तब तो वन अदरवाइज जीरो, तो जो डायगनल पोजीशंस होंगी वहां पर तो वन प्रिंट हो जाएगा अदरवाइज जीरो प्रिंट होगा। तो इसको अगर हम रन करके देखें तो आप देख सकते हो आउटपुट यहाँ पर डायगनली तो वन प्रिंट हो रहा है और बाकी सारी प्लेसेस पर जीरो जीरो प्रिंट हो रहा है, और पांच आउटपुट आ रहे हैं हर रो में, वन जीरो 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 जीरो, फिर जीरो वन जीरो जीरो जीरो, फिर जीरो जीरो वन जीरो जीरो, तो इस तरीके से आउटपुट प्रिंट हो रहा है। तो बैक स्लैश एन का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है, आपको जब वन और जीरो प्रिंट करना है तब स्लैश एन यूज नहीं करना है, वो आपको जब इनर लूप अपना साइकिल कंप्लीट कर लेगा उसके बाद यूज करना, ठीक है। तो इस तरीके से नेस्टेड लूप कैसे काम करता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपना ये वाला पैटर्न प्रिंट करवाते हैं जिसमें पहली लाइन में वन स्टार देन टू स्टार देन थ्री फोर एंड फाइव, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, अब ये फॉर्मेट सेम रहेगा, मतलब हमें प्रिंट एफ स्लैश एन तब यूज करना है जब इनर लूप अपना साइकिल कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि एक रो में हमें बहुत सारी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हमें स्लैश एन जो फॉर लूप इनर लूप है उसके प्रिंट एफ के साथ यूज नहीं करना है, ठीक है। अब देखो आउटर लूप पांच बार चला, इनर भी पांच बार चला, तो हर रो में पांच डिजिट प्रिंट हुई, बट अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट रो में वन स्टार, सेकेंड रो में टू स्टार, थर्ड रो में थ्री स्टार, तो इसका मतलब वन टू थ्री फोर, तो वो वैल्यू हमें किससे मिलेगी, आई से। तो यहाँ फाइव के प्लेस पर मैं लिख रहा हूँ आई, और यहां मैंने लिखा प्रिंट एफ और स्टार, ठीक है। अब देखो ये कैसे रन होगा, आई वन से स्टार्ट हुआ, कंडीशन चेक करो, कंडीशन ट्रू है अभी, फिर कंट्रोल चला जाएगा जे पर, जे वन से स्टार्ट हुआ, अब यहां पर कंडीशन जो जे लूप की है वो डिपेंड करती है आई पर, तो इस टाइम आई की वैल्यू है वन, तो ये लूप टोटली कितनी बार चलेगा, एक बार, तो एक बार स्टार प्रिंट हो जाएगा, जब ये लूप खत्म होगा तो स्लैश एन प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई हो जाएगा टू, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर से जे लूप वन से स्टार्ट होगा और आई कितना है अभी टू, तो जे लूप कितनी बार रिपीट होगा, दो बार, तो इट मींस जे लूप का जो रोटेशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आई पर, तो आई की जो भी वैल्यू होगी जे लूप उतनी ही बार रिपीट हो जाएगा। तो अब इसको सेव करके अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो ये देखो आपके सामने ये पैटर्न प्रिंट हुआ, पहली रो में वन स्टार, फिर दो स्टार, फिर तीन चार और पांच, ठीक है। तो अब इस तरह का ट्रायंगल प्रिंट कराने के लिए ये दो लूप तो फिक्स हो गए, आपको इनको छेड़ना ही नहीं है। अब सपोज हम चाहते हैं कि जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से प्रिंट हो, मैं एक नोटपैड ओपन कर लेता हूं, हमें कुछ इस तरीके से पैटर्न प्रिंट कराना है, पहली रो में वन, फिर हम चाहते हैं कि प्रिंट हो टू टू, फिर प्रिंट हो थ्री थ्री, फिर प्रिंट हो फोर फोर, और फिर प्रिंट हो फाइव फाइव, इस तरह का कुछ पैटर्न प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पर परसेंट डी कॉमा आई, अब देखो मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट कराया, तो जब फर्स्ट टाइम आई वन होगा तो ये लूप एक बार चलेगा, तो आई वन प्रिंट हो जाएगा, फिर न्यू लाइन प्रिंट होगा,
देन आई प्लस प्लस हुआ टू. अब जे लूप चल रहा है दो बार और आई की वैल्यू कितनी है टू, तो टू कितनी बार प्रिंट हो जाएगा, दो बार, ठीक है. और यही हमें करना है. तो जब आप आई को इनर लूप में प्रिंट कराएंगे तो आप देख सकते वन देन टू टू थ्री 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 फोर 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 फाइव फाइव फाइव, इस तरीके से वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है. अब आप चाहते हैं कि आप ये जो पैटर्न है इसको चेंज करके ऐसे प्रिंट कराएं, तो इस केस में अगर हम आई के जगह जे को प्रिंट करा देंगे तो ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा. ये देखिए वन देन वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव. तो सिंपली आई को जे से रिप्लेस कर दिया, तो अभी क्या हो रहा है जे की जो भी करंट वैल्यू होगी वो हाथों हाथ प्रिंट हो जाएगी. तो जे वाला लूप जितनी बार चल रहा है वो हमेशा वन से स्टार्ट होता है, आई तक जाता है. तो वन पहली बार वन प्रिंट करेगा, दूसरी बार जब वो दो बार रोटेट होगा तो वो बिगिन हुआ वन से और टू तक जाएगा, तो वन प्रिंट करेगा फिर टू प्रिंट कर देगा, ठीक है. तो सेम फॉर्मेट है, हम सिर्फ प्रिंट एफ को चेंज करते जा रहे हैं और नई नई वैल्यूज हमारे सामने प्रिंट होती जा रही है. अब हमें प्रिंट करना है अगला पैटर्न जो कि है ये, सॉरी टू थ्री देन फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन देन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन, कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें प्रिंट करना है. तो इसमें आप देख सकते हो इस पैटर्न में डिजिट्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, वन देन टू थ्री देन फोर फाइव सिक्स देन सेवन एट नाइन टेन. तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया वेरिएबल यूज करते हैं के, जिसको वन से स्टार्ट किया, यहाँ पर के को प्रिंट कराते हैं और हम लिख देते हैं के प्लस प्लस. तो जैसे ही के प्रिंट होगा वो अपनी वैल्यू को वन से इंक्रीज कर देगा और वो हर बार जैसे जैसे लूप चलता जाएगा अपनी वैल्यू को इंक्रीज करता जाएगा. तो अब देखो ये इस तरीके से आउटपुट आपके सामने आ गया, वन देन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन. अब आप चाहते हो कि इनके बीच में कुछ थोड़ा स्पेस प्रिंट हो जाए तो आप यहाँ पे बैक स्लैश टी और लगा दो. तो जब आप इसे रन करेंगे तो आप देखोगे कि कुछ स्पेस प्रिंट हो रहा है, वो ट्रायंगल की फॉर्म में प्रिंट हो रहा है. आप चाहते हैं कि थोड़ा कम स्पेस आए तो आप यहाँ पे सिंपली स्पेस बार प्रेस कर दीजिए. तो ये देखो इस तरीके से आप ये पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है. तो जैसा फॉर्मेट चाहे वैसा फॉर्मेट आप बना सकते हैं. तो मैंने आपको स्टार प्रिंट करना बताया, फिर डिजिट्स कैसे प्रिंट करते हैं वो बताया, अब हम बात करेंगे अल्फाबेट्स की. तो अब हम प्रिंट करेंगे कुछ इस तरीके से, ए देन ए बी देन ए बी सी देन ए बी सी डी देन ए बी सी डी ई, ठीक है. पहले इसको प्रिंट कराते हैं. तो अब यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सी एच और जिसको इनिशियलाइज कर देते हैं ए से. तो अब इस पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो हर बार बिगिन हो रहा है ए से, फिर सेकेंड रो में ए बी तक जाएगा, थर्ड रो में ए सी तक जाएगा, फोर्थ रो में ए डी तक जाएगा, मतलब हमें उसको हर बार इंक्रीज भी करना है. तो अब देखो लूप का फॉर्मेट सेम रहेगा, आई और जे सेम टाइम रिपीट होंगे. प्रिंट जो हम करने वाले हैं वो है सी एच. सी एच क्योंकि ये कैरेक्टर वेरिएबल है इसलिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करना है, परसेंट सी, और सी एच को हर बार इंक्रीज भी करना है क्योंकि ए के बाद बी सेकेंड रो में, थर्ड रो में ए के बाद बी एंड देन सी प्रिंट होना चाहिए. तो वो इससे इंक्रीज हो जाएगा इंटरनली, ये ASCII वैल्यूज के थ्रू होगा. एंड अगर मैं यहाँ पर इनिशियलाइज कर देता हूँ तो हर बार जो सी एच है वो कहाँ से बिगिन होगा, ए से, क्योंकि जब हम इसको इंक्रीज कर देंगे तो ये ए से बी तक पहुंच चुका होगा, सेकेंड रो में ये ए बी प्रिंट करके सी तक पहुंच जाएगा. तो जब भी आप इनर लूप स्टार्ट करेंगे तो आपको सी एच को कहाँ से स्टार्ट करना है, ए वेरिएबल से, सॉरी ए कॉन्स्टेंट वैल्यू से. तो आप चाहें तो इसको यहाँ पे इनिशियलाइज ना भी करें तो चलेगा, ठीक है. बाकी सारी चीजें सेम है. तो जब भी इनर लूप स्टार्ट होगा तो सी एच ए से सेट हो जाएगा, देन इनर लूप के अंदर वो ए या जो भी सी एच में वैल्यू उसको प्रिंट करेगा और फिर वो अपनी वैल्यू को वन से इंक्रीज करेगा थ्रू ASCII वैल्यू. तब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं. ये देखो ए ए बी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी, इस तरीके से लूप प्रिंट हुआ. अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं. तो अब हमें ये प्रिंट करना है ए देन बी बी देन सी 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 डी 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 ई, मतलब सेम अल्फाबेट हर बार प्रिंट होना चाहिए. तो अब ये तो हटा देते हैं,
और हम यहाँ पर ए इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको ए ए की बार स्टार्ट करना है, फिर आपको ध्यान देना है रो पर, मतलब एक रो में सेम वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए और उसके बाद वो इंक्रीज होना चाहिए। तो सी एच को यहां से रिमूव करूं और इस लूप के बाद, तो जब ये इनर लूप चलता रहेगा तो सी एच की सेम वैल्यू प्रिंट होती जाएगी, और जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो फिर सी एच अगले कैरेक्टर पर पहुंचेगा। और सी एच को हम बार बार ए से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको बिगिनिंग में इनिशियलाइज किया। लूप के अंदर सी एच कभी भी ए से बिगिन नहीं होगा, तो सेम वैल्यू प्रिंट करनी थी इसलिए लूप के अंदर इंक्रीमेंट नहीं किया, लूप के बाहर किया, और हमेशा उसको इंक्रीमेंटेड वैल्यू प्रिंट करानी है इसलिए सी एच को एक ही बार इनिशियलाइज किया। तो अब इसको भी अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखोगे कि वो पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, तो ए देन बी बी देन सी 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 डी 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 ई, इस तरीके से प्रिंट। तो बहुत ही सिंपल है, लूप का फॉर्मेट सेम है, बस आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। और अब अगर इसको मैं कट करके यहीं पर पेस्ट कर देता हूं और सी एच को हम ऊपर ही इनिशियलाइज करते हैं, तो क्या होगा, हर बार कैरेक्टर प्रिंट होगा और वन से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब अगले अल्फाबेट पे पहुंचेगा। तो अब आप देखोगे कि ए देन बी सी देन डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, इस तरीके से वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न्स मैंने आपको प्रिंट करना बताए। अब हम चलते हैं इस पार्ट पर। तो अब ये जो पैटर्न अभी तक हमने बनाए स्टार के, डिजिट्स के, अल्फाबेट्स के, उनको अगर इस फॉर्म में प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे मैं अगर इसी अल्फाबेट की बात करूं तो आप क्या करोगे, लूप को 5 से स्टार्ट करो, कंडीशन लिख दो आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और आई माइनस माइनस, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो आप देखोगे कि वो वाटर इमेज में प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए शुरू में 5 लाइन है, फिर शुरू में 5 अल्फाबेट, देन 4, देन 3, 2 है, 1, ठीक है। तो किसी भी पैटर्न को आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्टार प्रिंट कराना है तो आप क्या करो, प्रिंट एफ में स्टार लिखो, सी एच को रिमूव करो, और मैं इसको कमेंट, ये मैंने कमेंट सी प्लस प्लस वाला यूज कर लिया, हम सी वाला कमेंट यूज कर लेते हैं क्योंकि C++ कंपाइलर है, इसलिए डबल स्लैश भी कमेंट का ही काम करता है। तो आप ये भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैंने सिर्फ फर्स्ट लूप को चेंज किया है, फर्स्ट लूप को चेंज किया, बाकी सारी चीजें सेम है, फिर भी आपका जो पैटर्न है वो रिवर्स फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा, 5 star 4 star 3 star 2 star 1 star, और हमें यही करना था। ये देखिए, तो अगर ये वाले पैटर्न आपने बना लिए तो आपको क्या करना है, इस तरह के पैटर्न बनाने के लिए आपको जो ऊपर आई वाला लूप है सिर्फ उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलाना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे जिसमें हमें ये मिरर इमेज प्रिंट कराना है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये स्पेस भी प्रिंट होगा, तो हमें एक लूप और चलाना है, ठीक है। अब वो लूप क्या करेगा, स्पेस प्रिंट कराएगा और फिर स्टार्स प्रिंट करेगा। तो इसको तो किया 1 से स्टार्ट, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, I++, अब यहां एक लूप चलाते हैं J equals to 1, ठीक है J। अब देखो यहां पर अगर हम इसको एनालाइज करें तो लास्ट रो में एक भी स्पेस नहीं है, उससे ऊपर 1, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 3 और उसके ऊपर 4 स्पेसेस हमें प्रिंट कराने हैं। इसको मैं नोट पैड में बना लेता हूं जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो 1 2 3 4 स्पेस एंड 1 स्टार, फिर 3 स्पेस 2 स्टार, फिर 2 स्पेस 3 स्टार, फिर 1 स्पेस 4 स्टार, फिर एक भी स्पेस नहीं और 5 स्टार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 4 स्पेसेस प्रिंट कराने हैं, अभी मैंने डैश को स्पेस माना है, ठीक है। तो हमें 4 3 2 1 0 इस तरीके से कुछ लूप चलाना है। तो अब देखो अगर हम फर्स्ट रो पर है तो 5 स्टार या बेसिकली प्रिंट होने चाहिए, तो मतलब 5 चीजें प्रिंट होनी चाहिए, 4 स्पेस और 1 स्टार, ठीक। तो अगर टोटल 5 रो हैं तो पहली बार में 4 स्पेस आएंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो लूप है उसको चलाएंगे 5 माइनस आई तक, और इस लूप के साथ हम प्रिंट करा देंगे डबल कोट्स में स्पेस। तो अब देखो अगर आई इनिशियली 1 होगा तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 माइनस 1 मतलब 4, तो ये 4 बार चलेगा, 4 टाइम रिपीट होगा, तो 4 स्पेस।
फिर ये जे वाला लूप चल सॉरी नेक्स्ट लूप को हम कर देते हैं के, तो फिर ये के वाला लूप चलेगा आई टाइम, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, ये अपना फाइनल लूप हो गया। तो अब देखो आई वन है तो ये लूप चला 5-1 मतलब 4 बार, 4 स्पेस प्रिंट हो गए। फिर इस लूप पर आएंगे, ये लूप कितनी बार चलेगा, 1 बार, क्योंकि के कहां तक रिपीट हो रहा है, आई तक, और आई है 1, तो 4 स्पेस ऊपर वाले लूप में प्रिंट किया और 1 स्टार इसने प्रिंट कर दिया। फिर न्यू लाइन पे चले जाएंगे, फिर आई प्लस प्लस होगा, आई हब हो चुका है 2, तो अब इस लूप को चेक करो, 5-2 तो कितना आया, 3, तो कितने स्पेस प्रिंट होंगे, 3 स्पेस, और ये लूप कितनी बार चलेगा, 2 टाइम्स, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो हमें यही करना है, फर्स्ट रो में 4 स्पेस 1 स्टार, सेकेंड रो में 3 स्पेस 2 स्टार, तो ये सारी चीजें आप इन दोनों लूप के थ्रू मैनेज कर पाएंगे। तो अब अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखोगे कि आपका के वेरिएबल और डिक्लेयर करना है, तो आपका जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है, शुरू में स्पेस आ रहा है, देन स्टार, फिर स्पेस, फिर स्टार, फिर स्पेस, स्टार, स्पेस, स्टार्स, एंड देन लास्ट में विदाउट स्पेस स्टार्स। तो ये मिरर इमेज आपका प्रिंट हो। और अब अगर आप चाहो कि इसका भी वाटर इमेज प्रिंट हो जाए, तो आपको सिंपली बिगिनिंग वाले लूप को डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलाना है और ये ऑटोमेटिकली जो आपका पैटर्न है वो वाटर इमेज में प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए हमें यही प्रिंट करना था और यही आपके आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ है। इसको मैं फिर से रन कर देता हूं ताकि आप कंपेयर कर पाओ। ये देखो, ठीक है, अब देखो यहां पर इस केस में लूप्स एज इट इज होंगे, आपको सिर्फ अल्फाबेट्स डिजिट्स को चेंज करना है। अब सपोज हमें डिजिट प्रिंट कराना है, मैं यहां पर आई को प्रिंट करा देता हूं, तो अब देखो क्या होता है। ये देखिए 5 times 5, देन 4 times 4, 3 times 3, 2 times 2, एंड 1, और स्पेस भी प्रिंट हो रहा है। तो मैंने जो फर्स्ट डिजाइन प्रिंट करने के लिए आपको स्टार डिजिट अल्फाबेट्स प्रिंट करने का लॉजिक बताया, वो इस केस में भी सेम है, इस केस में भी सेम रहेगा और इस केस में भी सेम। तो अगर ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है तो आपको फर्स्ट लूप को डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलाना है, ये पैटर्न प्रिंट करना है तो आपको स्पेस वाला लूप ऐड करना है, और ये पैटर्न प्रिंट करना है तो स्पेस भी ऐड करना है और लूप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी चलेगा। तो इस तरीके से आई होप कि आपको ये सारे पैटर्न्स कैसे प्रिंट होते हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब हम एक छोटा सा चेंज और करते हैं कि हम पिरामिड और बना लेते हैं। तो पिरामिड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन लूप्स को फर्स्ट लूप को 5 बार चलाना है, देन स्पेस का लूप एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ये जो लूप है इसको i(2-1) टाइम चलाते हैं और यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं स्टार, ठीक है। तो i(2-1) मतलब जो भी रो होगी वो i रिप्रेजेंट करेगा, रो अपने आप को डबल कर रहा है और माइनस वन कर देगा। तब देखो इसके थ्रू जो पैटर्न प्रिंट होकर आएगा वो है पिरामिड, 1, 3, 5, 7, 9 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, स्पेस भी आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो 1, 3, 5, 7, 9, तो पहली रो 1 into 2 in -1, ये जो यहाँ पर हमने i(2-1) लिखा है, तो i 1 होगा, 1 into 2, 2 - 1, 1, मतलब 1 स्टार। फिर जब i अगली बार 2 हो जाएगा तो ये जाएगा 2 into 2 - 1, मतलब 3, तो स्टार कितनी बार प्रिंट होंगे, 3 टाइम्स। तो इस तरीके से हमने जो रो नंबर है i उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 से माइनस किया, तो ऑड नंबर्स अवेलेबल हो जाएंगे और स्टार उसी अकॉर्डिंग प्रिंट होंगे। अब अगर उसी का वाटर इमेज प्रिंट करना है तो आप इसको 5 से स्टार्ट करो, greater than equals to 1, और माइनस माइनस, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो अब इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है तो ये इस तरीके से प्रिंट, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश में ये पैटर्न्स की एक पूरी वीडियो सीरीज और बना रखी है, तो मैं उस वीडियो सीरीज का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, ताकि आप इंडिविजुअली इन पैटर्न्स के जो प्रोग्राम है उनको और डिटेल में समझ पाओ, वो सीरीज भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू पैटर्न्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हुई होगी और बहुत सारे लूप्स को एक साथ कैसे यूज करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम जो भी मैंने इस वीडियो में आपको डेमोन्स्ट्रेट किए उनको एक एक करके एग्जीक्यूट करिएगा ताकि आपको प्रोसेस समझ में आए, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी डिटेल्स है, और अगला जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 15 होगा, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज एरे।
तो उस वीडियो में मैं आपको 1D एरे के बारे में बताऊंगा, तो उसको भी जरूर से देखें ताकि आप आगे आने वाले सारे वीडियोस को फॉलो कर पाए। ठीक है, तो आई होप कि आप जो भी वीडियोस इस वीडियो सीरीज के अंदर देख रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। एंड लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वीडियो के, तो उसको फॉलो करें। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।